सो दिस इज़ अगेन माइलो बेस स्टूडेंट सेंटर और आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक नज़र आ रही होगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि माइलो बेस स्टूडेंट सेंटर जो है वो उसका जो बैक एरिया है वो यूनिवर्सिटी का तकरीबन सेंट्रल एरिया कंसिडर किया जाता है, तो ये बिल्कुल वस्त में है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और काफ़ी चहल पहल है। आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रही होंगे बिकॉज ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको चाइनीज़, जापनीज़, कोरियंस, सिंगापुरियंस, नाइजेरियंस, सोमालियंस, इंडियंस, अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स, इलियास रोजमे फैलो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने वो डिपार्टमेंट्स जो ख़ास तौर पे अब्रॉड एजुकेशन के हवाले से काम करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, या वो डिपार्टमेंट्स जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड स्टडीज़ के तहत आते हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो अभी मैं कुछ स्टॉल्स पे गई थी तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफ किया था। तो ये अपने स्टडी प्रोग्राम्स के हवाले से लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं ताकि और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड स्टडीज़ हैं ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं जो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से और उसके अलावा यूएनओ से भी कर सकते हैं। तो ये उस हवाले से आज प्रमोशनल इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, इस पर ये फूड भी ऑफ़र कर रहे हैं, कैंडीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें स्टेशनरी से रिलेटेड छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे हुए हैं। तो मुझे भी एक बॉल पेन उन्होंने ऑफ़र की थी, स्टिकी नोट्स मैंने लिए हैं क्योंकि कल मेरी पोस्टर प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए हैं, तो मैंने वो लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब्जी यहाँ पे हो रहा है।